हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम CBCS, जो कि लॉन्च हुआ था हमारा 2016 में RGPV के द्वारा। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। ठीक है, हम PDF अपलोड किए हैं, इसमें आप चाहें इसे डाउनलोड कर लें और आप इसे नोट्स बना सकते हैं। आप इजीली नोट्स, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स इस पैटर्न के लिए काफ़ी हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप बुक से लगा लेना, बहुत सारे बुक्स हैं, आप लगा लेना किसी भी बुक से। मैं थियोरेटिकल दिया हूँ और कोशिश किया हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट पर मुझे कॉन्टेक्ट करना। ओके, तो आज हम इसमें कवर करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, नाउ फेस चेंज ऑफ पीओ सब्सटेंस, कैसे फेस चेंज होता है पीओ सब्सटेंस का। कंप्रेस्ड लिक्विड, देन वेट स्टीम, देन सुपर हीटेड स्टीम, 1, 2, 3 पे PV डायग्राम फॉर पीओ सब्सटेंस। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटिंग स्टीम फॉर्मेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अगर आप आगे स्टीम का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि HF क्या है, HFG क्या है। तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन, टोटल हीट और एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, एंट्रोपी ऑफ वाटर का। अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको आसानी मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, इस पे लिखा है, कंसीडर 1 kg ऑफ वाटर बीइंग हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर T1 to T2 एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी गिवन बाय ds इज इक्वल टू dQ/T, CP इज इक्वल टू CPW.dT/T, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, नाउ S2 - S1 इज इक्वल टू CPW log E T2/T1। ओके, आगे चलते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, किसी भी स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे डिटरमिनेट करें। तीन तरीका होता है हमारे पास। पहला, टैंक और बकेट कैलोरीमीटर, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर और सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। पहला हम पढ़ेंगे टैंक और बकेट कैलोरीमीटर के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट।